नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ चैनल HSM कुमाऊनी में आप लोगों का स्वागत है। आपके लिए हम आज बहुत बढ़िया कविता लेके आए हैं। तो ये कविता जो है दिल्ली पर है। देखो थोड़ा प्रयास किया है लिखने का, अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो सुनो और हम अपनी कविता शुरू करते हैं। वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है, वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है। खूब लिखा है किसी ने तेरे बारे में, खूब लिखा है किसी ने तेरे बारे में कि बड़ी खूबसूरत शहर है तू, कि बड़ा खूबसूरत शहर है तू। यहाँ हर किसी के बहाल है, यहाँ हर किसी के बहाल है। सबको समेटा है तूने, सबको पाला है तूने, सबको समेटा है तूने, सबको पाला है तूने। जो सम्मान के लिए जाते हैं उसने एक इंसान को जन्म दिया है तूने, जो सम्मान के लिए जाता है उसने एक इंसान को जन्म दिया है तूने। वाह रे दिल्ली तेरी भी क्या मिजाज है, वाह रे दिल्ली तेरी भी क्या मिजाज है। पूरी दुनिया के लोगों को खुद में समाया है, पूरी दुनिया के लोगों को खुद में समाया है। भारत के हर एक कोने से एक व्यक्ति यहाँ आया है, भारत के हर एक कोने से एक व्यक्ति यहाँ आया है। जिस शहर में रोजगार ना हो उस शहर को रोजगार दिया है तूने, जिस शहर में रोजगार ना हो उस शहर को रोजगार दिया है तूने। वाह रे दिल्ली तेरी क्या मिजाज है, वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है। दुखियों को मुक्त किया है तूने, दुखियों को मुक्त किया है तूने। हर बीमारी का इलाज है यहाँ, 100 रुपये की दवाई 60 में दिलाया है तूने, 100 रुपये की दवाई 60 में दिलाया है तूने। वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है, वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है। शिक्षा को बढ़ावा दिया है तूने, शिक्षा को बढ़ावा दिया है तूने। गरीबों के बच्चों को पढ़ाया है तूने, गरीबों के बच्चों को पढ़ाया है तूने। जो बच्चे पढ़ने की उम्र में काम करने जाते थे, जो बच्चे पढ़ने की उम्र में काम करने जाते थे, उन बच्चों को शिक्षित बनाया है तूने, उन बच्चों को शिक्षित बनाया है तूने। वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है, वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है। थोड़ी सी परेशानी में हो सकते हैं लोग, थोड़ी सी परेशानी में हो सकते हैं लोग, क्योंकि अलग अलग भाषा के रहते हैं लोग, क्योंकि अलग अलग भाषा के रहते हैं लोग। थोड़ा थोड़ा नोक झोंक भी हो जाती है, फिर आपस में एक हो जाते हैं लोग, फिर आपस में एक हो जाते हैं लोग। वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है, वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है। जनसंख्या बढ़ रही है यहाँ, जनसंख्या बढ़ रही है यहाँ। लोग कहाँ रहेंगे ये सोच रहा था मैं, लोग कहाँ रहेंगे ये सोच रहा था मैं। फिर तेरे चाहने वालों ने कुछ ऐसी स्कीम निकाली, फ्लैट बना के वो समस्या भी ख़त्म कर डाली, फ्लैट बना के वो समस्या भी ख़त्म कर डाली। जिस कमरे में 4 लोग रह सकते थे उस ज़मीन में 1000 लोग रह सकते हैं, उस ज़मीन में 1000 लोग रह सकते हैं। वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है। धनियों की कमी नहीं है तेरे देश में, धनियों की कमी नहीं है तेरे देश में। हर दिन एक मसीहा आ जाता है, हर दिन एक मसीहा आ जाता है। गरीबों को खाना खिला के खुशी खुशी चला जाता है, गरीबों को खाना खिला के खुशी खुशी चला जाता है। वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है, वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है। कोई कपड़े दे के आता है तो कोई कंबल दे के जाता है। सड़कों पर सोए रहते हैं जो लोग, सड़कों पर सोए रहते हैं जो लोग, उन्हें कोई ठोकर मार के जाता है तो कोई उन्हें कंबल ओढ़ के जाता है। वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है। भीड़ भाड़ बहुत है तेरे शहर में, भीड़ भाड़ बहुत है तेरे शहर में, फिर भी सबको संजाए रखा है, फिर भी सबको संजोए रखा है। अमीर भी जी रहा है यहाँ, गरीब भी जी रहा है यहाँ, अमीर भी जी रहा है यहाँ, गरीब भी जी रहा है यहाँ। सबको एक साथ बनाए रखा है, सबको एक साथ बनाए रखा है। वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है, वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है। ऑटो बस जहाज मेट्रो तेरे शहर में चलता है, जिसको जिसमें सहूलियत हो वो उसमें सफ़र करता है। वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है, वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है, वाह दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है। देश विदेश के हर इंसान को समेट कर रखा है, देश विदेश के हर इंसान को समेट कर रखा है। वाह रे दिल्ली तेरा भी क्या मिजाज है। खूब लिखा है किसी ने तेरे बारे में, खूब लिखा है किसी ने तेरे बारे में कि बड़ी खूबसूरत शहर है तू, कि बड़ी खूबसूरत शहर है तू। यहाँ हर किसी के
बहाल हैं, यहाँ हर किसी के बहाल हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो शेयर लाइक ज़रूर करना। एक छोटी कोशिश की थी और ये बस 2-4 घंटे में लिखा गया था और 2-4 घंटे में इसको हमने पोस्ट भी कर दिया, ज़्यादा इसको हमें समझने का टाइम मिला नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको शेयर लाइक ज़रूर करें। हाँ, जो 2 लाइन थे स्टार्टिंग के वो मैंने काफ़ी 1 साल पहले लिख दिए थे, लेकिन जो पीछे की लाइनें थी वो मैंने ऐसे मेरे माइंड में आते रहे थे और मैं लिखते रह रहा था, मतलब सोच रहा था, लेकिन लिखा मैंने आज ही। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करें।